करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देश अनुसार करौली जिले में हो रही बारिश के कारण पानी की आवक बढ़ती जा रही है। इस कारण निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना के मद्देनजर पाचना बांध के शुरुआत में 6 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से अपील की है कि नदी के आसपास के गांवों के लोगों को इस दौरान सतर्क व सावधानी बरतने, साथ ही पानी की आवक वाले क्षेत्र में नहीं जाएं एवं अपने बच्चों को भी नहीं जाने दें, जिससे कि भर्ती पानी को देखते हुए जनमाल की कोई हानि नहीं हो। जिला कलेक्टर ने इस दौरान शहर में नदी नालों व भराव क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को सतर्क रहने व आपदा संसाधनों जैसे आश्रय स्थलों की सफाई, पानी, बिजली एवं खाने पीने व चिकित्सा व्यवस्थाओं को तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा, SDM देवेंद्र सिंह परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। करौली से राजेंद्र प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। देखा है और पाचना डैम से भी पानी निकलवाया है, तो थोड़ा से उसके बारे में स्थिति। सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि सब लोग अपने घर के पास ही रहें, सुरक्षित रहें। नदी नालों में अभी उफान है तो उनके पास जाने से बचें जी, और स्वयं को सुरक्षित रखें जी। थैंक यू।